दोस्तों, क्या आदिवासी हेयर ऑयल सच में बालों का झड़ना रोक देती है? क्या सच में आदिवासी हेयर ऑयल के यूज से गंजापन खत्म हो जाता है? चाहे वो 20 साल का लड़का हो या 65 ईयर का बुढ़ा हो, सब भी आदिवासी तेल असरदार है। और ऐसा मैं नहीं, कंपनी का दावा है। आपके गांव में जितने भी लोग हैं, सबके लंबे बाल हैं या कोई गंजा भी है? सर, गंजे तो आपको दिखने ही नहीं मिलेगा वहाँ पे। उनका जो एज, मतलब कि 70 साल आने तक भी उनका बाल कभी डैमेज नहीं होगा। ऐसा जो कंपनी ऑयल बनाती है आदिवासी तेल, वो ऐसा दावा कर रही है कि जिस एरिया में ये तेल बनता है, जिस गांव में ये तेल बनता है, उस गांव में एक भी इंसान गंजा नहीं है, चाहे वो जवान हो या बुढ़ा हो। मतलब कंपनी का इतना बड़ा दावा, आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई है या झूठ भी है? तो यही आज की वीडियो में जानेंगे, क्या सच है क्या झूठ है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर बाल जो झड़ते हैं उसके कॉज क्या है, रीजंस क्या है, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये सच है झूठ है। दोस्तों, बाल झड़ने के वैसे तो बहुत सारे कॉजेस हैं, जो मुख्य कॉजेस हैं वो बताते हैं। सबसे जो मेन फर्स्ट कॉज है दोस्तों, वो है हार्मोनल चेंजेस। दोस्तों, अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके अचानक से बाल झड़ने लगते हैं, तो ये जो रीजन है वो है हार्मोनल चेंजेस। दोस्तों, जो सेकंड रीजन है वो है बालों के अंदर बहुत ज्यादा डैंड्रफ का होना, रूसी का होना। दोस्तों, ये जो डैंड्रफ है, जो रूसी है, वो एक कवक है, फंगस है, जो बालों के रूट में जाके उसको खोखला करके बालों को कमजोर करती है, जिससे बाल आपके टूटने लगते हैं। जब आप शैम्पू करते हो, ऑयल करते हो, तो ऐसे कंडीशन में बाल आपके बहुत ज्यादा मात्रा में टूटते हैं। ये भी सेकंड बहुत बड़ा रीजन है बालों में डैंड्रफ का होना। दोस्तों, जो नेक्स्ट रीजन है वो है बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी। दोस्तों, अगर आपके बॉडी में जिंक, आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी की कमी आती है, तो ऐसे कंडीशन में आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट रीजन है वो है जेनेटिक्स, आनुवंशिक। अगर आपके फैमिली में किसी को भी बाल झड़ने का इशू है, गंजापन की समस्या है, चाहे वो आपके फादर के अंदर हो या आपके मामा के अंदर हो, किसी की फैमिली में ऐसा हो, तो ऐसे कंडीशन में बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, गंजापन भी हो जाते हैं। दोस्तों, जो अगला सवाल ये आता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स पे क्या ये तेल कवर कर सकता है? मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे रीजंस हैं बाल झड़ने के, और सिर्फ एक आदिवासी हेयर ऑयल काम कर सकता है? दोस्तों, इम्पॉसिबल है। ये तेल कुछ कंडीशंस में काम कर सकता है, बाकी हर एक रीजंस पे ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, सोचो आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, तो कैसे काम करेगा तेल? आप तो इसको बाहर से लगा रहे हो। तो जो आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, ये तेल कैसे पूरा कर सकता है? आप खुद से सोचो। दोस्तों, अगर आपके बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, इम्बैलेंस हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये तेल क्या काम करेगा? दोस्तों ये ऑयल सिर्फ एक कंडीशन में काम कर सकता है, वो है आपका डैंड्रफ। दोस्तों, जो डैंड्रफ है उसके अंदर ये ऑयल 100% काम करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, और जो फंगस होते हैं, कीड़े होते हैं, उसको तेल मार देता है, जिससे वो डैंड्रफ खत्म हो जाते हैं। और ये ऑयल ऐसे डैंड्रफ के लिए सिर्फ काम कर सकता है, या बाहरी एक्सटर्नल और कुछ रीजन हो तो काम कर सकता है, लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम अंदर है और बाहर आप मसाज कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यही हाल है दोस्तों, ये सिर्फ डैंड्रफ रूसी पे काम करेगा, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम हो तो ऐसे कंडीशन में ये ऑयल काम नहीं करेगा। मैं इस तेल के विरुद्ध नहीं हूँ, और ये भी बता दूँ कि जो ऑयल है आदिवासी ऑयल, वो 100% नेचुरल है, हर्बल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन कोई अगर बोले कि बालों का गंजापन खत्म हो जाएगा, आपके बाल कभी नहीं टूटेंगे, चाहे वो 20 साल का लड़का हो या 65 ईयर का बुढ़ा हो, सब पे काम करता है, तो ये तो इसमें तो झूठ है दोस्तों। लेकिन ऑयल नेचुरल है, इतना पता है। हाँ अगर आपको बाहरी प्रॉब्लम है, ये रूसी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी 100%। दोस्तों, अगर आप इस ऑयल के यूज़ के साथ साथ अपने डाइट पे फोकस करते हैं, तो शायद आपके बालों की समस्या खत्म हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।